कपड़े तो अच्छे पहन के आती है, लेकिन साथ में पन्नी लेके और आ जाती है, बदनामी और हो जाती है हमारी शादी में। उसे मैं कब किस किस शादी में भाई पन्नी लेके पहुंची, मेरे को ये तो बता दो। आज तो इसकी शादी में मैं पक्का जाऊंगी, फिर बुलाया इसकी बैंड बजा के आऊंगी इसी के घर वाले के सामने, देख लेना तो। हेलो दोस्तों, कैसे हो फ्रेंड? फ्रेंड आज आपके भाभी को तगड़ा प्रैंक होने वाला है, कसम से दोस्तों बहुत ही मजा आने वाला है। शाम का टाइम है, शाम के 4 बज रहे हैं और अभी भी छत पर है। थोड़ा तो पानी की टंकी देखने गई थी कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैंने कैमरा को छुपा दिया। और दोस्तों चलिए करते हैं आपके भाभी का इंतजार, प्रैंक को लास्ट तक जरूर देखना, और जो चैनल पर नया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है दोस्तों? बाप रे, दूध भी चली गई अब तो। अरे महारानी, कभी हमारी बात भी सुन लिया करो, चाय कब बना के पिलाओगे? बना रही, पता नहीं क्या बुद्धू कितने देर बनाओगे। अरे यार बुढ़िया तू होगी, तेरी माँ बुढ़िया, तू बुढ़िया, इतने की चिढ़ रहे हो तो बना रही हूँ ना चाय। चाय ठीक है बेटा, मत बनाओ चाय, 4-5 बस तो देनी होती चाय। हम नहीं बता रहे, कोई बात है? कौन कौन सी बात? अब नहीं बता रहे हम। अब बताओ ना, क्यों बताए? बता रही नहीं बता रहे, कौन सी बात? ठीक है जब सुनना है तो सुन ले, नेहा का कॉल आया था। अच्छा, शादी तय हो गई है, अगले महीने की 12 तारीख को शादी है। हो गया है? और क्या। हाँ मुझे बोल रही थी कि मतलब ऐसे ऐसे लड़के वाले आएंगे। शॉपिंग स्टार्ट कर ले। बिल्कुल बढ़िया, अच्छी बात है, कर ले अब शॉपिंग स्टार्ट। लेकिन अपने लिए शॉपिंग स्टार्ट मत करो। शादी कब है? 12 दिसंबर। तो कम ही दिन है यार, एक पक्का ड्रेस होनी चाहिए। तेरे को अपने लिए ड्रेस नहीं लेना ना, अपने लिए शॉपिंग करना है। क्यों? अब ये भी मैं सोचू कि मैं तेरे को कहीं से ऑनलाइन कपड़े दिलाऊंगा, मैं ऑनलाइन शॉपिंग करूंगा। तो मैं अपनी फ्रेंड की शादी में ड्रेस नहीं लूं? अरे तेरे को थोड़ी बुलाई है, वो बोलिए सालू को तो लेके ही मत आना, यहाँ पे रायता फैला देती है हर जगह। वो बोलेगी फोन आया था, ये देखो फोन दिख गया, फोन देख लो कितने देर बातें किया था मैंने, 2 मिनट खुद बोल लिए। जीजा जी उसको तो लेके ही मत आना, मोटी को। कभी सोच रही है? क्या सोच रही है? तो जाऊंगी नहीं, मेरी फ्रेंड है तो। अरे क्यों जाएगी? और मेरी फ्रेंड मुझे ना बोला कि तुम्हें क्यों बुला रहा, जीजा जी से क्या ज्यादा ही प्यार हो रहा है जो जीजा जी को बुलाएगी? जीजा जी से प्यार है तभी तो बुलाई है। थोपड़ा दिखा रही है? हाँ थोपड़ा देख ले हमारा, सही है थोपड़ा। मतलब तुम्हारी बीवी को उसने बुलाया ना, और तुम तब भी मुंह उठा के पहुंच जाओगे यहाँ पे? किस खुशी में? किस खुशी में? जान से ज्यादा जो प्यारी है। कौन है तुम्हें जान से ज्यादा प्यारी? अब कौन तुम हो और कौन है? तो मैं जान से ज्यादा प्यारी, तो फिर तुम जा क्यों रहे दूसरों की शादी में मेरे बिना? भैंस ज्यादा दिमाग मत खराब कर। मैं भैंस हूँ? तुम अपने आप को देखो, लकड़ बग्गा की शक्ल वाले। अच्छा हम लकड़ बग्गा हो गए? मुझे बोल रहे भैंस, तुमसे तो ज्यादा ही सही हूँ मैं, ठीक है? तो यार तुम हर किसी के शादी में जाके तुम रायता क्यों फैलाते हो? पहली बात तो यार मैंने किसकी शादी में रायता फैला दिया? तुम ये क्यों बोलते हो कि इसकी शादी में ये खाना नहीं था, वो खाना नहीं था, गोल गप्पे कम पड़ गए? देखो गोल गप्पे ठूसने जाते हो उधर, तो गोल गप्पे नहीं खाऊंगी किसकी शादी में, क्या खाऊंगी? अब ये बोल रही थी ना, कपड़े तो अच्छे पहन के आती है, लेकिन साथ में पन्नी लेके और आ जाती है, बदनामी और हो जाती है हमारी शादी में। उसे लेके बताना कब किस किस शादी में भाई पन्नी लेके पहुंची, मेरे को ये तो बता दो। बोले थी ना एक बार चंचल की शादी हुई थी, पता नहीं कोई होगी, बोले थी पूरे गोल गप्पे भर के ले गई थी। इतनी बड़ी कमीनी है, मैंने कब 20 दिन गोल गप्पे खाई थी, घर पे बीमार हो गई थी। तुमने देखा था मेरे को गोलगप्पे खाते हुए? अबे शादी से पहले की बात बता रही है, मेरे को क्या पता यार, तेरी शादी तो 8 साल पहले हुई है। अब इसको मिलने दो मेरे को, इसके घर पे जाके बोले कुछ मत बोलियो उसे, क्यों नहीं कुछ बोलोगी? बोलेगी तो अब इसको 2 घूंसे लगेंगे ना, तब कल ठिकाने अच्छा? आएगी। मेरे बारे में क्या बोल रहे तुमको? मैं पन्नी लेके गई थी, गोलगप्पे लेके गई थी, मैं बीमार थी। 200 गोलगप्पे ले लिए, बरातियों के लिए गोलगप्पे कम पड़ गए। भगवान मत कर ज्यादा, जो हकीकत बातें बोली वो बताइए। तुम सही बोल रहे कि झूठ बोल रहे हो? मैं हकीकत बात बोल रहा हूँ, तो बाद में फोन कर लेना। आज तो इसकी शादी में मैं पक्का जाऊंगी, फिर बुलाया इसकी बैंड बजा के आऊंगी इसी के घर वाले के सामने, देख लेना। तो ऐसे नहीं करते बेटा, शादी है। तो मेरे बारे में झूठ की बोल रही है? मैंने कब खाली 100 गोलगप्पे? 200 और बराती को कम पड़ गए। वाह भाई वाह, 20 दिन चलाई थी, 10-10 गोलगप्पे खाई थी, फिर तेरे को इतने गोलगप्पे खाए ना, तेरे को इन्फेक्शन हो गया, तो 2 दिन हॉस्पिटल में थी एडमिट। वो सारी बातें बता। मैं कब हॉस्पिटल में एडमिट हो गई यार? अबे जो बात, मैं पहली बार हॉस्पिटल में भी ना तब गई हूँ जब मेरा निश्चल हुआ है। हॉस्पिटल की शक्ल भी नहीं देखी उससे पहले मैंने, बोला शक्ल से चोट दिखती है गोलगप्पा चोट।
और वो मेरे बारे में इतना बकवास कर गया, तुम तो चुपचाप बैठे के सुन रहे थे। तुम्हें तो बड़े मजे आते मेरी बुराई सुनने में, है ना? हकीकत बात बता रहा हूँ, तुम्हें झूठा लग रहा है, नहीं है तो यकीन फोन कर लो। तुम जब वो मेरे बारे में इतनी बकवास करी थी तो तुम्हें तो मुंह तोड़ जवाब दिया नहीं गया उसको, है ना? तुम सुन के चुपचाप और यहाँ पे बकवास कर रहे हो। मैं जवाब दे देता उसको, जवाब देने में कोई नहीं थी, लेकिन मैं शादी से पहले की बात नहीं पता ना कि तुमने कितने गोलगप्पे चोरी किया है, तुमने कितने रसगुल्ले लेके आए थे फ्रिज में रखने के लिए, अब वो हमें थोड़ी पता है। तुम्हें मैं सकल से चोर लगती हूँ? तुम्हें लगता है कि मैंने गोलगप्पे चोरी करके खाई शादी में? 200 गोलगप्पे चोरी कर ले जो बरातियों के लिए कम पड़ गए थे। इसलिए बोलिए कि मत लेके आओ, रायता फैलाती है शादी में, उसको लेके मत आना। वो तो फिर यहाँ पे फोन की क्यों थी? जीजा जी आप आओगे तो सिर्फ दो रोटी खाओगे, की डाइट पे आप ऐसी चल रहे हो। वो आएगी पूरी दुनिया को पता है जीजा डाइट पे चल रहा है, पांच बराती को खाना खा लेगी। जीजा कितना ठूसता है ये नहीं पता? शांत रह, पांच बराती को खाना खा लेगी बेटा, वो खाना नहीं है, प्लेट सिस्टम है। यार मैं कितना खाती हूँ, मैं पहले जब हेल्दी भी थी ना, अब तो मैंने वेट लॉस कर दिया, मैं हेल्दी भी थी ना तब भी मैं इतना इतना ही खाना खाती थी। मैडम वो शादी नहीं हो रही जो टेंट लग के लोग प्लेट उठाते हैं, बुफेट लगा हुआ है, खाना लेते नहीं, प्लेट सिस्टम है, एक एक प्लेट के पैसे है, हजार हजार रुपए। तो एक प्लेट हम खा लेंगे तो उसका क्या जेब से हल्की हो जाए? बोल ली ना सालू, एक प्लेट में कहां उसकी भूख शांत होने वाली, पांच प्लेट जब तक ना खाए ना मजा नहीं आएगा उसे, और 5000 का बिल और आ जाएगा, तो इसलिए पांच बराती का खर्चा तू इसका मुंह तोड़ती हूँ। मैं अब देख रहा है इसको, बताती हूँ फोन कर दे ना मेरे को, फोन दे इसको, मैं बताती हूँ। लड़ाई में लग जाओगे मेरी चाय कंपनी की, यार ऐसे थोड़ी होती है। तुम इतना मेरे को बोल के, यार सोचते मैं तुम्हें चाय बना के, तुम मेरे बारे में इतनी बकवास सुन ली मेरे फ्रेंड से। चिल्लाओ मत, इतना चिल्लाओगे पड़ोसी भी सुनेंगे, भाड़ में बोलेंगे मेरे को मतलब नहीं है। हमारी पड़ोसन तो गोलगप्पा चोर है, कभी गोलगप्पा चोरी करके खाती थी शादी में। तुम भी मेरे को ऐसे ही बोलोगे गोलगप्पा चोर? यही दिन रह गया मेरे गोलगप्पे चोरी करने के सुसरे? इससे पहले तो हमने एक रुपया भी किसी का चोरी नहीं किया, उसने एक नंबर की कमी ने 200 गोलगप्पे चोरी करेंगे। हम लोग तो चुपचाप सुन रहे थे भैया, शादी से पहले की बात थी ना, इसलिए बेटा मैं कुछ नहीं बोल पाया उसे। तो तुम क्या दूसरी दुनिया में रहते हो? मैं तो इसी दुनिया में रहता हूं। तो तुम्हें क्या, मैं शादी से पहले दिखी थी तो तुम्हें मैं गोलगप्पा चोर लगती थी? मेरे को लगता था कि तुम शादी वादी में जाते होगे तो शायद। बड़ा दिखा नहीं, तुम नहीं खाते होगे गोलगप्पा, क्योंकि तुम्हें तो ऐसे भी गोलगप्पा पसंद नहीं है, तुम्हें तो दही पापड़ी पसंद है। मुझे गोलगप्पा पसंद है, अच्छा, पर मैंने कभी 200 गोलगप्पे नहीं चुराए। उतने में मैं कोई दुकान की एक रेडी खोल लेते 200 गोलगप्पे में, एक नंबर की झुट्टी है वो। अब भैया तुम दोनों दोस्त मिल गए ना, फैसला कर लो कि तुमको बुलाने के लिए। मैं शादी में नहीं गई ना तो तुम्हें भी उसकी शादी में नहीं जाना, सुन लो ध्यान से। और ऐसे भी तुम शादी में जाओगे, पहुंच गए तुम शादी में जाओगे। मैं नहीं जाऊंगी। इसलिए जाओगे ना, पहले गुस्सा शांत रखो, पहले सुनो मेरी बात। इसलिए जाओगे क्योंकि मैं तो प्रैंक कर रहा था, ठीक है ना? मैंने नेहा को बोला था कॉल कर ले ताकि मैं सालू को दिखा सकूं, ये देख ले 2 मिनट ऐसी बात कर ली, वो देख कैमरा लगा हुआ वहाँ पे। उसकी शादी हो रही है कि नहीं हो रही है? 100% हो रही है। और देख बकायदा ये देख कार्ड भी आ गया व्हाट्सएप पे विद फैमिली। उसने शादी के लिए कार्ड भेजा और तुम मेरे ऊपर प्रैंक कर रहे थे, तुझे नहीं? तभी तो मजा आता यार, तभी तो कोई दिन बका सके। तुम कुछ बोले भी नहीं उसको। हम क्यों बोले, हम क्यों बोले? ये जीजा खुद टेबल के नीचे कितना ठूसता कुछ नहीं पता। और ये मैया 65 किलो का जीजा है। हाँ तो ये जीजा इस दुनिया को दिखाने के लिए 65 किलो का है। जीजा पूरा 100 किलो का डाइट लेता है टेबल के नीचे बैठ के शादियों में। अरे मैया, अरे मैया, क्यारी मैया, क्यारी मैया। और तुम मेरे को क्या बोल रहे हो, गोलगप्पा चोर, 200 गोलगप्पे कब चोरी करके और पिन्नी में खाना? ये काम ना तुमने किए होंगे, पिन्नियों में गाजर के हलवे भर भर के खाए होंगे। गुस्सा वही करता है जो कभी लेके आए थे गोलगप्पे। पहली बात तो ये काम हमने नहीं किया कभी, पन्नियों में खाना बनने ये तुमने जरूर किए होंगे, गुलाब जामुन और गाजर का हलवा भरने का। तुम चाय बनाओ, चप्पल खा लो। नाराज होगी तुम्हारी मामी, मजा आ गया लेकिन दोस्तों, कसम से। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।